नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन चार बातों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने नए स्टार्टअप में कभी फेल नहीं होंगे। आप कभी अपने नए स्टार्टअप पर फेल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन से चार बिंदु हैं जिनके बारे में स्टार्टअप शुरू करने से पहले हमें जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात है, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वह कौन सा क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो पहले तो सबसे इसके बारे में जानकारी लेना होगा कि कौन सा बिजनेस हम शुरू करें, इसमें कितनी लागत आएगी और दोस्तों इस बिजनेस को कितने तरीके से किया जाता है। दोस्तों आज के समय में कोई भी नया स्टार्टअप आपको शुरू करना है उसे दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के और दूसरा मार्केटेड बाई करके। दोस्तों अब चलिए जानते हैं दोनों में रिस्क कितना है। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर आप यही मार्केटेड बाई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें नाम मात्र का रिस्क है। अब चलिए दोनों बिजनेस में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें होगा। दोस्तों अगर आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। यही दूसरी तरफ इसी बिजनेस को जो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के करना चाहते हैं, अगर आप मार्केटेड बाई करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है पैसा मैन्युफैक्चरिंग बाई यूनिट से कम लगेगा। यानी जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं 10 लाख रुपया लग रहा है और वहीं पे वही बिजनेस जब आप मार्केटेड बाई करेंगे तो 2 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख तो मतलब 10 लाख वाला बिजनेस आप 2 लाख रुपए में मार्केटेड बाई लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बिंदु और निकल के आता है, अब इन दोनों में प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाई यूनिट डाल रहे हैं और मार्केटेड बाई बिजनेस में, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है। प्रॉफिट में सिर्फ 2% का डिफरेंट आता है। लागत सबसे ज़्यादा, रिस्क सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली होती है, क्या दोनों में वही क्वालिटी मिल सकती है जैसे हम खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के प्रोडक्ट बनाएं या मार्केटेड बाय दूसरे कंपनी से थर्ड पार्टी प्रोडक्शन बनवाते हैं, तो दोनों में क्वालिटी में क्या डिफरेंट होगा। दोस्तों दोनों में क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि आज मार्केट में 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। एक कंपनी तो है जो अपना खुद प्रोडक्ट बनाती भी है और मार्केट में बेचती भी है, और दूसरी टाइप की ऐसी कंपनी है जो सिर्फ थर्ड पार्टी ही प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह वर्ल्ड क्लास का होता है, सब कुछ इनका फर्स्ट क्लास होता। अब ये भी 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो दोस्तों एक तो जब इनके पास आप जाएंगे, एक तो कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक थर्ड पार्टी हो गया। दोस्तों जो कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें आप उनके साथ एक डील कर लेते हैं, 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ते के लिए आप डील करते हैं, रॉ मटेरियल आपका होगा, कंपनी की मशीन होगी, कंपनी के लेबर होगी, कंपनी के सब कुछ होगे, आपको उसी पे डील हो जाएगी। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आप अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो क्या हुआ, जब आप अपना रॉ मटेरियल सब कुछ लेके जा रहे हैं, जो क्वालिटी लेना चाहते हैं वो क्वालिटी ले रहे हैं, तो दोस्तों प्रोडक्ट तो वही आपका बना जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के डाला है। तो दोनों में क्या निकल गया है, आज के समय में दोस्तों मार्केटेड बाई बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। अब यहाँ पे रिस्क की बात हम कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको दवा की फैक्ट्री डालना है। दवा की फैक्ट्री डालने के लिए
आपको क्या चाहिए, बहुत मतलब बड़े लेवल पे आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे सरकार निर्धारित करती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें ही होती है, तो वहाँ पे आपको कुछ लीज पे जमीन लेना पड़ेगा, चाहे खरीद लीजिए जमीन, चाहे लीज पे लीजिए, चाहे किराया पे लीजिए, जैसे भी लेना आपको वहाँ जमीन लेना है। अब जानते ही हैं जब वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पे जमीन भी महंगी मिलेगी, बिजली का जो कनेक्शन लेंगे, तमाम चीज़ें लेंगे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब फिर इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अनुभवी टीम तैयार करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग टीम तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बल्क में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, बल्क में रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टीम, मार्केटेड बाई टीम तैयार करना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको ब्रांड नेम रखना पड़ेगा, जैसे अब आप एक साथ कितना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, 10 ब्रांड, 20 ब्रांड, 100 ब्रांड, 200 ब्रांड। दोस्तों जब आप बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड लॉन्च करेंगे। अब मान लीजिए 100 ब्रांड आपको लॉन्च करना है, अब 100 प्रोडक्ट के नाम आपको चॉइस करने हैं, 600 प्रोडक्ट का नाम चॉइस करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, ट्रेडमार्क करवाएंगे जिससे कोई कॉपीराइट ना कर पाए आपके प्रोडक्ट के नाम की, तो ट्रेडमार्क करवाएंगे, उसमें भी दोस्तों आपको पैसा लगेगा, यानी तमाम चीज़ें करना पड़ता। अब यहीं पे, अब तो ये हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाय की, अब यहीं पे यही चीज़ें जब आप मार्केटेड बाय करते हैं दोस्तों, यहीं पे जब आप यही चीज़ें मार्केटेड बाय करते हैं तो यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रखने की ज़रूरत है, और ना तो दोस्तों आपको एक्सपीरियंस टीम रखने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांड नाम लेने की ज़रूरत है। ब्रांड नाम ले लीजिए, ट्रेडमार्क करवाइए, और आपको एक चाहिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, जीएसटी नंबर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो होता है दोस्तों मात्र 3,000 रुपये लगता है, और ये 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, यहाँ पे कम पैसे लगे। अब ब्रांड नेम आपका ट्रेडमार्क हो गया, अब कितना प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, 100 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, जितना आप लॉन्च करना चाहते हैं उतने प्रोडक्ट को आप बनवाना है। अब बनवाने के लिए आप जाइए दोस्तों, आप जाइए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। अब दोस्तों उनके पास एक एक्सपीरियंस, अभी आप अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफॉल्ट भी आ सकता है, लेकिन जब आप यही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से बनवा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनके पास 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस, और उनके पास WHO GMP सर्टिफिकेशन का लाइसेंस भी है कि इनका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है। तो दोस्तों आप किससे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी क्या हुई, बेस्ट है। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब उस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने जाना तो आपका उनका जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट होगा कि हमारे प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बेस्ट क्वालिटी की होगी, और जब हमारा प्रोडक्ट बन के आपकी फैक्ट्री से रेडी होगा उसके बाद जो QC से यानी क्वालिटी कंट्रोलर से जो लाइव टेस्ट रिपोर्ट मिलती है उस लाइव टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी आपको चाहिए, और लाइव टेस्ट रिपोर्ट में आपका प्रोडक्ट जो 100% पास होना चाहिए, यानी कि जो रॉ मटेरियल जितने MG में टैबलेट में पड़ा उतना आपको चाहिए बनने के बाद। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल का टैबलेट आप बनवा रहे हैं, तो पैरासीटामॉल 500 mg एक टैबलेट में होता है, तो दोस्तों बनने के बाद जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आपकी होगी एक टैबलेट में 500 mg पैरासीटामॉल होना चाहिए, ये आप उनके साथ डील करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये तो मैं एग्जांपल के लिए, अब जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, आप दोस्तों दवाओं का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप दोस्तों साबुन तेल क्रीम यानी किराना से संबंधित जो बिजनेस है इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, या हार्डवेयर में आप जाना चाहते हैं जैसे जो घर के बनाने में रॉ मटेरियल हो जाता है जैसे सिरमेंट हो गया, सरिया हो गया, जो कुछ भी इसमें लगता है,
पाइप हो गया, पंखे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक में आप जाना चाहते हैं, तो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अनुभव लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट बिजनेस है मार्केटेड बाय बिजनेस, आपको रिस्क कुछ भी नहीं है। यानी कि आप किसी कारण से अपने बिजनेस को नहीं चला पाए किसी कारण से, तो दोस्तों आपके पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। आपने वेस्ट क्या किया, छोटा मोटा लाइसेंस बनवाया है 10-20 हज़ार रुपये में, और जो प्रोडक्ट आपने बनवाया है थर्ड पार्टी से, वो दोस्तों जितने में आपने बनवाया है उतने में जब चाहेंगे तब आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जब चाहेंगे तब उस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, आपका कोई पैसा इन्वेस्ट वेस्ट नहीं जाएगा। ये तो हो गया, ये अनुभव आपको होना चाहिए, यही जानकारी आपको लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे फार्मा क्षेत्र में, किराने से संबंधित क्षेत्र में, तो दोस्तों हमारा खुद का मार्केटेड बाई अनुभव है। मैं दोस्तों 1990 से यानी 24 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हमारे पास है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी मैं दोस्तों प्रोवाइड कर सकता हूँ। भविष्य में कभी भी आपको बिजनेस करना हो तो आप दोस्तों हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो रियलिटी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों मैं फार्मा क्षेत्र में, कपड़े से क्षेत्र में, किराने से संबंधित कुछ प्रोडक्ट, स्टेशनरी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट का मार्केटेड बाय बिजनेस करता हूं, और दोस्तों ये मैं 10-15 साल से कर रहा हूं। उसके पहले मैं फ्रेंचाइजी के तौर पे काम करता था, तो मेरे पास गहन अध्ययन है, ये अनुभव आपसे शेयर कर सकता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपना नया स्टार्टअप शुरू करना, नए स्टार्टअप शुरू करने में दोस्तों एक धैर्य आपको रखना पड़ेगा। नया स्टार्टअप दोस्तों 1 से 5 साल का समय लेता है, यानी कि 1 से 5 साल के समय में कभी आपका बिजनेस माइनस पे होगा, कभी बराबर पे होगा, कभी प्लस पे होगा, कभी अप डाउन लगा रहेगा। अगर यही 5 साल तक आपने धैर्य बनाए रखा, 5 साल तक अपने बिजनेस में धैर्य बनाए रखना, तो 5 साल के बाद यही बिजनेस आपको दोस्तों प्रॉफिट देना शुरू होगा कर देगा, तब आपको इस बिजनेस में कभी फेल होने के चांसेस नहीं होंगे, तब आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन 5 साल तक आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, 5 साल तक धैर्य बनाए रखें तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। अब दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो पूरी डिटेल में बना दूंगा। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप मार्केटेड बाय बिजनेस करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस करना चाहते हैं, किस टाइप के बिजनेस आप करना चाहिए, वो टोटल डिटेल आप हमें शेयर करिए। दोस्तों उससे संबंधित आपके नाम से मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और सारी जानकारी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और अगर आप उस हिसाब से बिजनेस करेंगे तो दोस्तों विश्वास मानिए आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया के साथ।